goes till I get up. Time is barely on our side. हेलो गाइस, GTC का आज लास्ट डे है। अभी मैं आपको सब लोगों से रिव्यू देता हूँ कैसे कैसे लगा। अभी पांडे जी से पहले पूछ रहा यहाँ पर आकर कैसा लगा आपको? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे तक हम लोग 102 लोग थे, 102 लोग, तो सभी लोग बहुत अच्छे मिल के रहे और अच्छा टाइम हो गया। यहाँ पे जो टीचर लोग थे वो उनका व्यवहार भी अच्छा था, सब अच्छे से पढ़ाए और हम लोग आज एग्जाम दे के जा रहे हैं। तरुण भाई कैसा लग रहा है? आज जाने की बारी है, क्या कहना चाह रहे हैं? दो शब्द कहो। नहीं है मेरे पास कहने के लिए शब्द, नहीं है कुछ तो कह दो यार। दिल दुख रहा है। अच्छा, दिल दुख रहा है। अभी हम सुनील भाई से जानते हैं, अभी आज इनको नींद आ रही है, क्या कहना चाह रहे हैं डीटीसी के बारे में? डीटीसी भाई सबसे गोल्डन टाइम है डीटीसी का भाई। 3 दिन के अलावा अपने आपकी लाइफ ये मार्केट चलो एक खेती की तरह होने वाली, मतलब रेलवे के अंडर में आप बंद कर जाओगे ना, छुट्टी मिलनी है आसानी से, रिलैक्स कर नहीं पाओगे। रिलैक्सिंग टाइम भाई, 3 दिन बड़े इन्जॉय करा, सब अच्छे से पढ़ाई हुई, सब हमें जाना क्या ट्रैक के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता सारी चीज़ें। अभी विजय भाई से पूछते हैं, हमारे डीपो के हैं सब लोग। अभी विजय भाई बताएं कैसा लग रहा है? विजय अपना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यार। आज पेपर भी हो चुका है हमारा, बहुत अच्छा लगा। बहुत नवीन भाई मिड़घाट की अभी फीलिंग बताएंगे आपको। नवीन भाई तो दो सबको बोले हाय गाइस, आज हमारी ट्रेनिंग खत्म होने वाली है 1 महीने की थी, बहुत मजा आया। मिड़घाट की क्या बात कर रहे, भैया वहाँ पर शेयर भालू चीता सब है। ये तो अभी ज़्यादा बोल नहीं पाए, अभी कल ही पापा बने, आज पार्टी देंगे हम लोग को। आज पार्टी का टाइम है हमारा। अभी आपको मैं और लोगों के पास ले चलता हूँ। ये अनिल भाई अभी बताएंगे अपना डीपो और डीटीसी के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा बताओ जरा क्या कहना चाह रहे हो? भाई मेरा जो डीपो है वो खिड़किया डीपो है और मैं वरुण स्टेशन में काम करता हूँ और वहाँ पे काम का जो वर्कलोड है बहुत ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं कह सकते, लेकिन ये वहाँ के स्टाफ है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। काम तो ठीक है, रेलवे में कभी कभी ज़्यादा या कम रहेगा, लेकिन डीटीसी में आकर आपको कैसा लगा और आज तो जाने की बारी? रेलवे में और रेलवे काम तो है ही है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन काम का स्टेज पर काम नहीं कह सकता। और ये जो ट्रेनिंग का पीरियड रहा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मज़ा आया है और उम्मीद करते हैं कि आगे के और डिपार्टमेंट में होकर के फिर ट्रेनिंग करने के लिए यहीं पर आएंगे, बहुत ही मज़ा आया। और अभी जितेंद्र भाई इधर आओ, इधर आओ, अरे इधर आओ पहले। क्या कहना चाह रहे हो? ये हमारे सुखी वाले हैं भाई। बहुत अच्छा लग रहा है पर अब बहुत बेकार लग रहा है ट्रेनिंग में जाने में, ट्रेनिंग में से जाने में। यहाँ पे आकर कैसा लगा? बहुत बहुत मजा आया। गोल्डन पीरियड खत्म होने वाले हैं यार, और अभी भाई लोग से और जाएंगे हमारी एक विलन भाई क्या कहना चाह रहे हैं? भाई क्या कहना चाह, बहुत अच्छा लगा मुझे एक महीने में अपने अंजनी भाई के साथ में। और यहाँ पे डीटीसी में कैसा लगा आप जाने में? बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ आके बहुत अच्छा फील हुआ। और भाई अभी और पीछे चलते हैं, अभी ये भाई पूछते हैं हमारे, अभी क्रिकेट का अभी देने जाने वाले ट्रायल जबलपुर, क्या कहना चाह रहे हो डीटीसी के बारे में? भाई बहुत मजा आया डीटीसी में, सब लोग आए बढ़िया, 1 महीने एंजॉय करो, इसके बाद ये दिन जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलेंगे, सब मस्त रहो भाई, मिलते रहना, बस यही है। बाकी डीटीसी में लास्ट टाइम अपनी जिंदगी का जो अपन इतने साथ लोग एक साथ बैठे एंजॉय कर रहे हैं, इसका भी मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चलो ये हमारे भाई थे जो क्रिकेट का अभी ट्रायल देने वाले हैं। अभी और रोल नंबर 1 है ये दीपक भाई हमारे, चलो हम आपको जगह था अभी दूसरे लोगों से पूछते हैं। चलो बताओ कैसा रहा, एक एक करके वन बाय वन कैसा रहा डीटीसी का रिव्यू दो। डीटीसी का ये 34 दिन बहुत अच्छे रहे हमारे। हाँ पढ़े तो कुछ नहीं हमने, बस सोते थे। चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट भाई। अरे बहुत बढ़िया रहा भाई ट्रेनिंग, एक नंबर जगह जाके 1 महीने जिंदगी भर याद रहेंगे ट्रेन में इनकी लाइफ। डीटीसी में सबसे बढ़िया सर है यशवंत सर, कृपया उनका मार्गदर्शन लें और मजे करें। बहुत मजे करें। मोटा मोटा क्या मिलेगा? ठीक है, अभी जेई सर से मिलते हैं अपन, आपको जेई सर से मिलवाते हैं आज, आने वाले फ्यूचर के हमारे जेई सर क्या कहना चाह रहे हैं? बढ़िया आया।
सब बढ़िया। यहाँ पे अभी आज जाने को टाइम है, कैसा लग रहा है आपको डी डी सी? अच्छा नहीं लग रहा है। और कैसा जाने का मन हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा। आराम से। ये हॉस्टल वाले भाई थे हमारे, अभी एक और भाई हमारे शांत बैठे, उनसे भी जानते हैं। क्या बता, क्या बात कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो डीडीसी के बारे में? बहुत मजे रहते हैं भाई। यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा एक बार आ गए तो। यहाँ भी सब जाना मजा आता तो। गाइस ये थे कुछ लोग के रिव्यू, सभी लोग के तो मैं रिव्यू ले नहीं पाया, सो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना रिव्यू दे सकते हैं। एंड गाइस ये थे डीटीसी के 34 डेज जो कि गोल्डन पीरियड डेज थे। गाइस यहाँ आकर हम लोगों ने काफ़ी मस्ती किया, एंजॉय किया और बहुत सारी यादें जुड़ी इतने सारे लोगों के साथ। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।